हमीरपुर गांधी चौक पर लगाई गई महात्मा गांधी की प्रतिमा की सफाई की अनदेखी को देखते हुए गांधी चौक पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को साफ किया और जिला प्रशासन व नगर परिषद के द्वारा सफाई की अनदेखी पर रोष व्यक्त भी किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, महासचिव अजय शर्मा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को पानी से साफ करके उस पर माला अर्पण भी किया। जिला प्रशासन द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा की अनदेखी किए जाने पर कांग्रेसी नेताओं ने जमकर जिला प्रशासन को लताड़ा है। गांधी चौक पर प्रतिमा की सफाई कई दिनों से नहीं किए जाने पर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने प्रतिमा भी साफ की। आपको बता दें कि गांधी चौक पर लगाई गई प्रतिमा के ऊपर गंदगी की भरमार थी और प्रतिमा पर पंछियों ने गंदगी फैलाई हुई थी, जिन्हें कांग्रेसी नेताओं ने पूरी तरह साफ किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल वर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन या नगर पालिका की ये नलायकी है जो राष्ट्रपिता के साथ ये सब हो रहा है। उनके एक बुत की सफाई तक नहीं की जा रही है, इसलिए कांग्रेस जनों ने इकट्ठा होकर बापूजी की सारी मूर्ति की सफाई की है, ताकि इतिहास साक्षी रहे कि कांग्रेस जो कि बापूजी की देन है आज भी उनके साथ खड़ी है। और नगर पालिका की नलायकी है कि जो एक राष्ट्रपिता थे उनके एक बुत तक जो है उसकी सफाई नहीं की जा सकती है। इस करके आज कांग्रेसजनों ने सबने इकट्ठे होके जब उनको ये गंदगी नज़र आई तो उन्होंने अपने हाथों से बापू जी के चरण कमलों को और उनके सारे जो स्टैचू था उसको साफ किया, ताकि इतिहास साक्षी रहे कि कांग्रेस जो है वो बापू जी की देन थी और आज भी बापू जी के साथ ही है और बापू जी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलता रहेगा। थैंक यू। वहीं कांग्रेस महासचिव अजय शर्मा ने बताया कि बड़ी हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन इस तरह बापू की प्रतिमा की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह सफाई के लिए बढ़ती जा रही कोताही के कारण कांग्रेस जनों में गहरा रोष है। जो हमारे बापू जी महात्मा गांधी जी हैं, जिसकी वजह से आज स्वतंत्र भारत में हम स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, और उसकी अगर हम देख रेख ना करें, उनकी प्रतिमाओं की देख रेख ना करें, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। और आज जैसे ही हम यहाँ पे अपने कार्यक्रम के लिए आए तो जैसे हमने देखा तो इनके ऊपर कबूतर और वो सब चीज़ बैठी थी और उसके ऊपर जो काफ़ी जो एक गंदगी थी वो पड़ी हुई थी। तो ये काम मुझे लगता है प्रशासन को डे टू डे देखना चाहिए कि महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसको अति संभाल के रखा जाना चाहिए, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में बहुत स्वतंत्रता से जी रहे हैं और आज़ाद भारत की हम मजा ले रहे हैं। ये किसका कार्य है मुझे नहीं पता, लेकिन नगर परिषद ये जो हमारा महात्मा गांधी का जो स्टैचू है ये जिला प्रशासन की धरोहर है। जिला प्रशासन को चाहिए कि वो इसके ऊपर करे, वो चाहे नगर परिषद करे चाहे जिला प्रशासन करे, लेकिन इसको संजोए रखना चाहिए। और आज हम इसके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की संस्कृति जो है, जो हमारे पूर्वजों को संभाल के रखने की है, जैसे ये भी हमारे पूर्वज ही हैं जिन्होंने हमें आज़ाद करा के आज हमें हिंदुस्तान दिया है, तो हमारे पूर्वजों तो ये सब लोगों को इनकी पूर्वजों की जो है ये रखनी चाहिए। उसी के अनुरूप मैंने देखा कि ये है तो क्यों नहीं आज हम इस कार्य को पूरा करें, वो इसलिए किया है। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।